प्रयागराज की 22 वर्षीय स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने भी विदेशी धरती पर राम मंदिर का ध्वज फहराते हुए अनूठे अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की है। अनामिका ने थाईलैंड में 13,000 फीट की ऊंचाई से राम मंदिर के ध्वज के साथ स्काई डाइव कर अपनी आस्था और खुशी को दुनिया के सामने जाहिर किया है। अनामिका की इस कामयाबी की शहर में खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि थाईलैंड वही देश है जो हनुमान जी को अपना रक्षक भी मानता है। 22 वर्षीय अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से जय श्री राम ध्वज के साथ स्काई डाइविंग करके अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रति अपनी भक्ति दिखाई है। अनामिका शर्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, मैं अपने धर्म और स्काई डाइविंग को एक साथ आगे ले जाना चाहती हूँ, इसलिए ये किया है। भगवान श्री राम जी वापस आ रहे हैं अपने घर, तो मुझे लगा कि हमें पता है कि हम प्रयागराज के हैं, तो महर्षि भरद्वाज जी पुष्पक विमान के आविष्कारक थे और हनुमान जी उस वक्त में अपना आदर और जो भी कंट्रीब्यूशन राम जी के लिए, वो इतने बड़े भक्त थे कि वो हवा में उड़ के भी संजीवनी बूटी ले आए। यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन का सी कैटेगरी का स्काई डाइविंग लाइसेंस प्राप्त कर चुकी अनामिका ने एक पखवाड़े पहले ही रोडियो स्काई डाइव जंप कर इतिहास रचा था। उन्होंने थाईलैंड के रियांग शहर में आसमान से 13,000 फीट की ऊंचाई से जय श्री राम के जयकारे के साथ छलांग लगाई। इस दौरान उनके हाथ में राम मंदिर का ध्वज भी था, ध्वज पर जय श्री राम लिखा था। अनामिका ने बताया कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वह बहुत उत्साहित है। भगवान राम के भव्य राम मंदिर को सम्मान देने के लिए ही उन्होंने ध्वज के साथ छलांग लगाई है। हम सबको अपने धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, और उस मतलब कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान से जितना भी हम सीख सकते हैं सीखना चाहिए, और उनके परम भक्त हनुमान जी से भी हमें सीखना चाहिए। तो मुझे लगा ये सब चीज़ को मिला के आज के डेट में कलयुग में हम क्यों नहीं एक पुष्पक विमान टाइप की चीज़ से जंप करें और अपना आदर सम्मान दिखाएं भगवान को। तो मेरा प्रेरणा तो हनुमान जी से ही आया था, क्योंकि वो भी भक्त थे श्री राम के, वो भक्त हैं और हमेशा रहेंगे, मैं भी भक्त हूँ श्री राम जी की। अनामिका ने अपनी पहली स्काई डाइविंग महज 10 वर्ष की उम्र में ही की थी। अब तक वह 300 स्काई डाइव पार कर चुकी हैं। स्काई डाइविंग का हुनर अनामिका ने अपने पिता अजय शर्मा से सीखा है। वह भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त जूनियर वारंट ऑफिसर, प्रशिक्षित कमांडो और प्रोफेशनल स्काई डाइवर हैं। अजय अब तक 650 बार स्काई डाइविंग कर चुके हैं। मैंने पहला जंप किया था जब मैं 10 वर्ष की थी, और मेरे पापा क्योंकि वायुसेना में थे, मैं उनको कूदते हुए देखती थी, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। और उसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी सिर्फ कि मैं 18 साल की हूँ और लाइसेंस ले लूँ। और जब मैं 19 साल में मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि कोविड चल रहा था, और 2021 में लाइसेंस लेने के बाद मैं इंडिया की यंगेस्ट फीमेल लाइसेंस स्काई डाइवर बनी थी। और एक रीज़न ये भी था कि मुझे लगा कि इस देश में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का उतना प्रचलन नहीं है अभी, लेकिन युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए और युवाओं का साथ करने के लिए, इसीलिए मैंने ये स्पोर्ट्स चुना अपने लिए।